और अब आप रुक करेंगे खबरों का और किसान आंदोलन की बात। सबसे पहले आपको हम बता दें कि किसान आंदोलन में अब नई किरण देखने को मिल रही है। कल जो बैठक हुई है सरकार के साथ, उसमें साफ तौर पर अब यह लग रहा है, क्योंकि सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि हम 1.5 साल तक के लिए इस कानून को टाल सकते हैं। बुधवार को किसानों के साथ जो 10वें दौर की चर्चा हुई है, उसमें नई किरण देखने को मिली है। कल की बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि नए कानूनों पर करीब 1.5 साल तक रोक लगाई जा सकती है। इस दौरान एक कमेटी बनाकर आपत्तियों पर चर्चा कर ली जाए और कमेटी का जो भी सुझाव हो उसे लागू किया जाए। किसान इस प्रस्ताव को लेकर थोड़ी उम्मीद किसानों ने जताई है, लेकिन किसानों का आखिरी फैसला आज होगा। दिन में किसान मोर्चा की बैठक होगी, इसके बाद कल यानी कि 22 जनवरी को किसान फिर से सरकार से मिलेंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है, क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। ऐसा मीटिंग था, एटमॉस्फेयर ठीक था। जी जी। सरकार जब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा है पुराना हाल से, मालूम पड़ता है सरकार कुछ आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इंगित दिया है। जी जी। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए कल चर्चा करेंगे। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।